कैसम कुरैशी, मुस्लिम फ्रेंड सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1992 में फॉर्म हुई और 1993 से इसका पहला जलसा शुरू हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जो है नागपुर कामटी शहर के तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स, मेरिट स्टूडेंट्स जो 10वीं से लेकर के पीएचडी होल्डर तक होते हैं, वो अगर मेरिट पोजीशन हासिल करते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। माशाल्लाह विदाउट एनी ब्रेक ये 22 साल से जो है रेगुलर जो है ये प्रोग्राम हम लोग लेते जा रहे हैं। इसके पीछे एक ही हमारा मकसद ये है कि जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको फेलिसिटेट करना और जो ऑडियंस में जो बच्चे और पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना ताकि फ्यूचर में वो बच्चे भी अपनी मेरिट पोजीशन हासिल करें और उन पोजीशन हासिल करने के बाद अपने कौम को जो है वो अपने ज़रिए जो आगे लेके जाए। एक और इंस्टॉल आपका यहाँ मेडिकल कॉलेज, एक और इंस्टॉल जिसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ वो है अंजुमन एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो उसके ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी हमने 13 साल पहले बनाई थी। चूँकि मैं अंजुमन का एक्स स्टूडेंट हूँ तो हमने तमाम एक्स स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट किया, उनके सामने हमारे मकसद रखे कि भाई अंजुमन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें जो ज़हीन बच्चे हैं उनकी एडमिशन के जो मसाइल उनके सामने दरपेश होते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाए, इसके तहत हमने एक्स स्टूडेंट को कलेक्ट किया, जमा किया और उनके सामने मकसद बयान करने के बाद में एक अंजुमन एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई 1999 में गालिबन। और माशाल्लाह उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आज तक हमने 38 से 40 बच्चों को फाइनेंस किया है और उस फाइनेंस की वजह से आज बच्चे जो है वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स वगैरह वगैरह बन गए हैं, अपनी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ख़ास कामयाबी इस ताल्लुक से मैं ये भी कहूँगा कि हमने 12A और ADG का सर्टिफिकेट भी इनकम टैक्स से हासिल कर लिया है और हम ये कौम से ये उम्मीद रखते हैं कि इस जेनरस और अच्छे काम में जो है वो अपना माली तआवुन हासिल करें ताकि अंजुमन के जो गरीब बच्चे हैं और ज़हीन बच्चे हैं वो अपने मुस्तकबिल को कामयाब कर सकें।